देखिए ये जो मेंसुरेशन है स्पेशल स्टूडेंट के कहने पे क्लास 10 वाले के लिए प्रीवियस ईयर्स जो पूछा गया है 10 साल प्रीवियस ईयर्स का मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ अपने तरीके से। उसमें जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा थोड़ा सा अलग देंगे, समझा के सॉल्व करेंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट है के लिए देखिए, ये जो है 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, 2012 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा ऑफ द सेक्टर का, है ना, विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल 60। उसका रेडियस जो होगा आर है, जैसे आप फिगर देख लीजिए, ये रेडियस हो गया, सेक्टर 60 का बना है, रेडियस आपको दिया गया है 10.5, मतलब आर का मान दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं इसको, देखिए बनाने का जो तरीका है, तो बनाने से पहले आप इसको सीखिए कि है क्या। पहले देखिए ये सर्किल है, सर्किल है, जब सर्किल है तो सर्किल में क्या होता है कि 360 डिग्री का एंगल टोटल होता है। एक सर्किल जब घूम जाता है पूरा, अगर मान के चलिए इसको घुमा दीजिए इस तरफ से, टोटल ऐसे कर देते हैं, तो 360 का बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो आप जानते हैं सर्किल का एरिया निकालिएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालिएगा तो पेरीमीटर हो जाता है आपका 2 पाई आर, जिसको आप लिख सकते हैं 2 आर पाई, तो इसको 2 आर को लिख सकते हैं डी, डी बराबर क्या होता है 2 आर, तो ऐसे पेरीमीटर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर इसको लिख सकते हैं पाई डी। इस टाइप से आपको फार्मूला याद रखना होगा, जैसे सर्किल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर या पाई डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सवाल दिया गया है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है ऑफ द सेक्टर है विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इतना। तो हम जान रहे हैं, तो इसको देखिए, हम कोई ऐसा फार्मूला नहीं बोलेंगे कि आपको याद रखना होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये 6 भाग में बटा 60, 60 को अगर 60 को 6 बार पढ़ेंगे तब हमारा 360 आता है। तो हमको पहले ई निकालना होगा, ई निकालेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि फुल सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यह कितना सर्किल है, एक सर्किल है, छठा भाग है सर्किल का जो है, यह छठा भाग है। जब सर्किल का छठा भाग है तो हमको छठवां भाग का निकालना है, इसका निकालना है। तो मान के चलिए 60 यह है, तो 60 यह होगा, 60 यह होगा, इस तरह से 6 गो होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो हमको इसका निकालना है, एगो का निकालना है, इसलिए हम इसमें 6 से भाग दे दिया, ठीक है। जब 6 से भाग दिया, 2 एकम 2 3 6 हो गया। तो यहाँ देखिए पाई का, पाई का मान तो आपको पता होता है 22/7, या नहीं तो 3.14, यहाँ पे हमको लेना है 22/7, तो हम 22/7 लिए, 3 नीचे हैं ही, आर दिया गया है 10.5, पॉइंट को उड़ा दिया तो 0, 7 एकम 7 7 35, 15 2 जा 30, 2 से 11 बार में कितना 11। अब चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए आपको हम पहले बताया है कि दोनों त्रिज्या आप प्लस यह दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो दोनों त्रिज्या क्या है, आर आपका क्या है, आर है आपका 10.5, तो कै गो है 2 गो है, तो 2 से गुना किए तो हो जाएगा आपका 21 द टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 21 प्लस 11, 1 1 2 और 2 1 3, मतलब 32 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो इसमें आप सर्किल का फार्मूला सीख गए, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2 पाई आर, या व्यास जैसे आप देते हैं व्यास इसका तो 2 आर होता है, पेरीमीटर पाई डी भी लिख सकते हैं आप। चलिए इसका 32 सेंटीमीटर हो गया पहला सॉल्व। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल आपका बता रहा है, इफ़ द सरकमफ्रेंस, जब उसका सरकमफ्रेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, उसका सरकमफ्रेंस जब फॉर्मिंग रचा गया ए रिंग, एक रिंग बनाया गया आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वाइट ऑफ रिंग, मतलब कि इस तरह का आपको रिंग बना दिया गया। देखिए एक वो छोटा रिंग,
उसके ऊपर पे वो बड़ा रिंग, आपको ई निकालना है, इच निकालना है। छोटे वाले का दिया 66, बड़े वाले का दिया 88, तो डायरेक्टली आपको है ना सरकमफ्रेंस का जो आप फार्मूला लगाते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है लोग आराम से जानते हैं, इसका जो पेरीमीटर बोलिए, सरकमफ्रेंस बोलिए, 2 पाई बड़ी आर इसका ले लेते हैं, मान के चलिए इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक है, बड़ी आर हो गया, और 2 पाई, और इसको छोटी आर मान लेते हैं, छोटी रेडियस दे दीजिए, दोनों में 2 पाई कॉमन है, 2 और पाई को कॉमन ले लीजिए, बड़ी आर, बड़ी आर क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, और छोटी आर। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, घटा देना है, 88 बड़ी के लिए है, छोटी के लिए 66, घटाने के बाद आ जाता है 22। अब बस प्रेम से यहाँ 2 रख दीजिए, पाई का मान 22/7, छोटी आर 22 कटा दीजिए, तो बड़ी आर माइनस छोटी आर ये पलट जाएगा, 7 ऊपर 2 नीचे, तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, वाइड हो गया आपका। दिया गया 3वां सवाल है, 2 क्वाइंस ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर केप्ट वन ओवर द अदर। देखिए वो छोटा क्वाइंस है, ये छोटा क्वाइंस हुआ, इस पे हमें को बड़ा क्वाइंस धर दिए, ठीक है, बड़ा क्वाइंस धरे, अदर एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखा दिया गया आपको, शेडेड एरिया है ना, एरिया ऑफ द शेडेड रिंग इस है ना, सेफ्ट रीजन इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर देना है, तो डायमीटर क्या दिया गया है, 2, डायमीटर पहला क्या है 2 है, और डी 2 भी है 4 है, ठीक है, दो डायमीटर है, मान के जो बड़ा वाला हो गया 4 और छोटा वाला हो गया 2, तो आपको निकालना है क्या, फाइंड द एरिया। अब डायरेक्ट निकालिए, एरिया इजकल टू, अब जानबे करते हैं क्या होता है, पा आर स्क्वायर, बड़ी का निकाल रहे तो, और छोटी का निकालिएगा, पाए छोटी आर स्क्वायर होगा आपका, इस कंडीशन में चलेगा, तो पाए दोनों में मिल रहा है, पाए को आप कॉमन ले लीजिए, आर बड़ी आर का मान क्या है, बड़ी आर क्या हो जाएगा, जब डी 2 4 है तो बड़ी आर हो जाएगा 2, और डी 1 2 है तो छोटी आर हो जाएगा 1, क्योंकि उसमें 2 से भाग देते हैं तब आर बनता है, जब हम डी अगर हमारा 4 है तो आर हो जाएगा हमारा 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ बड़ी आर क्या हो गया 2, 2 पे स्क्वायर दिया, छोटी आर 1, 1 पे स्क्वायर दिया, तो हो गया पाई, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 3/5 आंसर। बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ टू सर्किल, डायमीटर दिया गया दो सर्किल का, सेंट्रल एन एंड बी, 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इफ एरिया ऑफ अनोदर सर्किल विथ सेंट्रल सी, दूसरा सर्किल है जिसका सेंट्रल सी है, इक्वल टू द सम ऑफ ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू सर्किल, या उसका जो एरिया है ये दोनों सर्किल को जब हम जोड़ेंगे, मान के चलिए आपको समझा देते हैं, पहला सर्किल ए सेंटर वाला हुआ, दूसरा सर्किल बी सेंटर वाला हुआ, एक बड़ा सर्किल बना जिसका सेंटर सी है, ये दोनों का एरिया, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सी, दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब जान रहे हैं डायमीटर दिया गया है हमारा पहला 60, तो हो जाएगा छोटी आर 8 हाफ होता है, डी 2 दिया गया है हमारा 30, तो आर आर 2 हो जाएगा 50 हाफ होता है, जानते हैं, दोनों को जोड़िए, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, आर 1 स्क्वायर, आर 2 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले लीजिए, छोटी आर क्या हो गया आर 1 8 पे स्क्वायर, आर 2 क्या हो गया 15 पे स्क्वायर, यहाँ पे पाई बड़ी आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया, ई 8 8 64 ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर स्क्वल टू हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, अच्छा 289 मतलब 289, तो आर हो जाएगा आपका 289 का 17 होता है सेंटीमीटर, चाहिए क्या बड़ा का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई का मान 25 इतना। अगर आप इसको पाई को रखिए, पाई को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो पाइए में रखिएगा, तो हो जाएगा आपका क्या 2 आर आपका निकला, यहाँ हो जाएगा पाई मतलब 34 पाई,
या नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते तो सॉल्व कर देते आप ऐसे 227 × 17 इसको गुना करते आप, गुना करके 34 इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, या अगर पाई में लाना है तो डायरेक्ट पाई में ले आइए। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा,